नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं बेंडिक्स ड्राइव के बारे में बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करेंगे। बेंडिक्स ड्राइव आपको मालूम है, बेंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं और इंजन स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो पहले हम इंजन स्टार्ट कैसे होता है वो देखेंगे। यहाँ पे मैंने इंजन के चार स्ट्रोक दिखाए हैं, इनटेक, कॉम्प्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये चार स्ट्रोक दिखाए हैं। सपोज इंजन अभी ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में है मतलब क्या, इंजन रन नहीं हो रहा है और हमको स्टार्ट करने का है। तो इंजन स्टार्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करना जरूरी है। इंजन स्टार्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इंटेक मैनिफोल्ड से चार्ज अंदर आना जरूरी है। चार्ज मतलब क्या है, चार्ज मतलब ये एयर प्लस फ्यूल है। तो ये एयर प्लस फ्यूल अंदर आना जरूरी है। अंदर आने के बाद उसको कॉम्प्रेशन करना जरूरी है, तो कॉम्प्रेस होगा। कॉम्प्रेस होने के बाद यहाँ पे स्पार्क होना भी जरूरी है, और स्पार्क होने के बाद इंजन स्टार्ट होगा। तो क्या क्या जरूरी है, पहले तो सक्शन जरूरी है, सक्शन ऑफ व्हाट, सक्शन ऑफ चार्ज, ये जरूरी है। उसके बाद उस चार्ज को कॉम्प्रेशन करना जरूरी है, उसके बाद स्पार्क होना जरूरी है, और स्पार्क होने के बाद इंजन चालू होगा। तो ये तीन कंडीशन होना जरूरी है। यह तीन कंडीशन होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये क्रैंकशाफ्ट दिखाया है, ये तो है जो आउटपुट शाफ्ट है। तो आउटपुट शाफ्ट रोटेट करना जरूरी है, किस लिए, ताकि सक्शन हो, कॉम्प्रेशन हो और स्पार्क पड़े। तो सक्शन, कॉम्प्रेशन, स्पार्क होने के बाद इंजन स्टार्ट होगा, और इंजन स्टार्ट होने के बाद वो कंटिन्यूसली रन होगा। तो कुछ कुछ व्हीकल में यह जो आउटपुट रोटेशन शाफ्ट है वो नॉर्मल किक से किया जाता है, पेडल से किया जाता है। कुछ व्हीकल में हम स्टार्टिंग मोटर भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेंडिक्स ड्राइव हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले बेंडिक्स ड्राइव। बेंडिक्स ड्राइव में भी हम मोटर यूज करके इसको रोटेट करने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे कैसे रोटेट करेंगे। यहाँ पे मैंने बेंडिक्स ड्राइव का फिगर दिखाया है। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट दिए हैं वो देखेंगे। यह जो है वो स्टार्टिंग मोटर है, स्टार्टिंग मोटर जो कि हम स्टार्ट करने वाले, जब भी मुझे व्हीकल स्टार्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका बटन दिया गया है, तो करंटली ऑफ कंडीशन है, तो मोटर भी ऑफ रहेगी। मोटर का ये जो रेड कलर है वो आउटपुट शाफ्ट है, यह जो है वो आउटपुट शाफ्ट है। जब मैं मोटर चालू करूंगा तो ये आउटपुट शाफ्ट रोटेट होगा, जब मैं मोटर ऑफ करूंगा तो आउटपुट शाफ्ट स्टॉप हो जाएगा। तो आउटपुट शाफ्ट में बहुत सारे कंपोनेंट दिए गए हैं। यह जो है वो यह कॉलर, यह जो है वो कॉलर, उसके बाद यह आउटपुट शाफ्ट है। यह जो शाफ्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीव। यह क्या है, स्लीव। स्लीव पे यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड्स है। आपको थ्रेड मालूम है, नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट, तो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम पिनियन गियर बोलते हैं, और या पिनियन बोलते हैं। पिनियन को इंटरनली होल जो है, यहाँ पे आप दो लाइन देख रहे हैं, इंटरनली होल जो है वो थ्रेडेड है। ये जो टू लाइन दिखा रहे हैं, ये टू लाइन क्या देख रहे हैं, थ्रेडेड इंटरनल होल है, और वो मेश है एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ स्लीव। तो एक्सटर्नल थ्रेड ऑफ स्लीव और इंटरनल थ्रेड ऑफ पिनियन एक दूसरे से मेश है, और पिनियन के आउटर सरफेस पे, पिनियन के आउटर सरफेस पे क्या है, गियर टूथ है। आप यहां देख सकते हैं गियर टूथ है। उसके बाद इस पिनियन पे एक अनबैलेंस वेट भी अटैच किया गया है। यहाँ पे पिनियन, यहाँ पे पिंक कलर में अनबैलेंस वेट दिखाया गया है। तो यहाँ पे स्लीव एक्सटर्नल थ्रेड है, यहाँ पे मैंने एनिमेशन भी दिखाया है। यहाँ पे ये देखिए, यह बोल्ट है, ये जो एक्सटर्नल थ्रेड है ना, ये स्लीव है, कंसिडर कीजिए ये स्लीव है और ये पिनियन है। तो पिनियन को क्या रहेगा, पिनियन को इंटरनल थ्रेड रहेगा, पिनियन को इंटरनल थ्रेड रहेगा और यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड रहेगा। ओके, लेकिन पिनियन को यहाँ पे एक अनबैलेंस वेट भी है, जैसे कि यहाँ पे पिंक कलर का दिखा है, अनबैलेंस वेट है। अभी अनबैलेंस वेट का क्या यूज है हम आगे देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस शाफ्ट के एंड को एक फिक्स्ड हेड है, यहाँ पे ये फिक्स हेड है, तो ये फिक्सली कनेक्टेड टू आउटपुट शाफ्ट है, ये मूव नहीं हो सकता लेफ्ट और राइट। उसके बाद यह जो है, इस पार्ट को हमने क्या बताया, स्लाइडिंग डॉक। तो यहाँ पे स्लाइडिंग डॉक पे सेंटर पे एक होल है, और उसका साइज मोटर के शाफ्ट से बड़ा है, मतलब ये स्लीव के शाफ्ट से बड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक लाइन है, एक डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, ये शाफ्ट है, और जो व्हाइट कलर की डॉटेड लाइन दिखा रही है वो क्या है, वो
इंटरनल होल की लाइन है, इंटरनल होल ऑफ स्लाइडिंग डॉक। तो यहाँ पे स्लाइडिंग डॉक का जो इंटरनल होल है वो बड़ा है किससे, शार्ट से, इसलिए वह स्लाइडिंग डॉक क्या हो सकता है, यहाँ लेफ्ट और राइट मूव सकता है, लेफ्ट और राइट हो सकता है। ओके, तो ये लेफ्ट को भी जा सकता है, राइट को भी जा सकता है, क्योंकि इसका होल है वो बड़ा है। और यह स्लाइडिंग डॉक और फिक्स्ड हेड ये दोनों एक दूसरे पे कनेक्टेड है, कैसे, टॉर्शन स्प्रिंग से। यहाँ पे टॉर्शन स्प्रिंग है, टॉर्शन स्प्रिंग स्लाइडिंग डॉक और फिक्स्ड हेड को कनेक्ट किया है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लाईव्हील है, देखिए फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील पे भी क्या है, एक्सटर्नल गियर टूथ है कि जो इससे मैच हो सकते हैं। यहाँ इसका प्रोफाइल और इसका प्रोफाइल क्या है, सेम है। यहाँ आउटपुट शाफ्ट है, यहाँ आउटपुट शाफ्ट कहाँ जा रहा है, यह जा रहा है इंजिन को। तो इस साइड क्या है, इस साइड है इंजिन, इस साइड क्या है, इंजिन है। ओके, तो यहां पे हमने पार्ट देखे, यह स्टार्टिंग मोटर है, यह क्या है, मोटर शाफ्ट है, आउटपुट मोटर शाफ्ट। यह क्या है, यह कॉलर है, कॉलर भी रोटेट हो गया अगर मोटर शाफ्ट रोटेट होगा। यह है स्लीव, स्लीव पे एक्सटर्नल गियर, एक्सटर्नल थ्रेड है। यह है पिनियन, पिनियन को इंटरनल थ्रेड है, और आउटसाइड पे क्या है, गियर टूथ है। यहाँ पे एक अनबैलेंस वेट है, यह है स्लाइडिंग डॉक, यह है फिक्स्ड हेड। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको सभी पार्ट दिखाए हैं, अभी हम इसका वर्किंग देखेंगे। अभी वर्किंग कैसे वर्क करेगा, जब भी मुझे इंजन चालू करना पड़ता है, जब भी मुझे इंजन चालू करना पड़ता है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आइदर की रोटेट करता हूं। हम इंजन कैसे स्टार्ट करते हैं, की से करते हैं, और कुछ बटन रहते हैं, कुछ व्हीकल पे बटन रहते हैं। अगर मैं की रोटेट करूंगा या बटन प्रेस करूंगा तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्टिंग मोटर को करंट सप्लाई करता हूं। तो यहां पे अब यहां पे बटन ऑफ है, अगर मैं ये बटन चालू कर दूं, अगर ये बटन चालू कर दूं, यहां पे अगर मैंने प्रेस किया और बटन चालू कर दिया, चालू होने के बाद आउटपुट शाफ्ट रोटेट होना चालू, कौन सा आउटपुट शाफ्ट, यह आउटपुट शाफ्ट रोटेट होना चालू है, यहां पे दिखाया आउटपुट शाफ्ट रोटेट। ये जब आउटपुट शाफ्ट रोटेट होता है, ये जब आउटपुट शाफ्ट रोटेट होता है, उस वक्त पिनियन स्टेशनरी रहता है। पिनियन स्टेशनरी कैसे रहता है, प्राइमरीली हमें फील होगा कि जब भी आउटपुट शाफ्ट रोटेट होगा तो पिनियन भी रोटेट होगा, लेकिन पिनियन रोटेट नहीं होता है, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे अनबैलेंस वेट है, यहां पे अनबैलेंस वेट है, और यह अनबैलेंस वेट के कारण रोटेट नहीं होगा। और यह अगर स्टेशनरी होगा और यह अगर स्लू रोटेट होगा तो यह क्या होगा, लेफ्ट को मूव। अभी इसको बेटर से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, जहां पे मैंने क्या किया है, मैंने आपको एनालॉजी से एक्सप्लेन किया है। तो यहां पे एक वीडियो है, इस वीडियो पे मैं एनालॉजी से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे आपको समझना पड़ेगा, यह जो है, यह है कॉलर, यह है कॉलर, यह जो है वो है पिनियन। तो देखेंगे ये वीडियो और फिर एक्सप्लेन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। यहाँ पे मैं बेंडिश ड्राइव का वर्किंग एनालॉजी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले एनालॉजी समझिए, हम इस पार्ट को, इस हेड को कॉलर समझने वाले हैं। किसका कॉलर, बेंडिश ड्राइव का कॉलर, यह कॉलर है। तो इस साइड क्या हो गया, इस साइड स्टार्टिंग मोटर है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग मोटर, यहाँ पे कॉलर है, कॉलर के बाद यह जो पार्ट है वो क्या है, स्लीव है, स्लीव है। आपको मालूम है स्लीव को एक्सटर्नल थ्रेड से, स्लीव को एक्सटर्नल थ्रेड से, और यह जो पार्ट है वो पिनियन कंसिडर करने वाले। पिनियन को क्या रहेगा, इंटरनली थ्रेडेड होल रहेगा, इंटरनल थ्रेडेड होल जो स्लीव पे मेश है, और आपको अज्यूम करना है कि इस पिनियन को एक्सटर्नली गियर टूथ है। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक्सटर्नली गियर टूथ है। ओके, और जो भी फ्लाईव्हील रहेगा, जो भी फ्लाईव्हील रहेगा तो इस साइड पे रहेगा, ऐसा रहेगा फ्लाईव्हील, यहां पे ऐसा रहेगा, और इस पे भी क्या रहेगा, इस पे भी गियर टूथ रहेगा जो इससे मेश हो सकता है। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा यह कॉलर है, यह स्लीव है, पिनियन है, पिनियन को इंटरनल थ्रेडेड होल है और एक्सटर्नल गियर। ओके, जब मैं इंजन स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं मोटर को स्टार्टिंग मोटर, जो भी यहां है ऐसा कंसिडर किया हमने, इस साइड है ऐसा कंसिडर, इस साइड पे, तो उसको करंट और इलेक्ट्रिसिटी देंगे। देने के बाद क्या होगा, उसका आउटपुट शाफ्ट रोटेट करना चालू होगा, तो
यह कॉलर भी रोटेट होगा और स्लीव भी रोटेट होगा। देखिए ऐसा रोटेट, तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि जब मैं स्टार्टिंग मोटर स्टार्ट करूंगा और इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करूंगा तो कॉलर रोटेट हो रहा है, स्लीव भी रोटेट हो रहा है और पिनियन भी रोटेट हो रहा है, पिनियन भी रोटेट हो रहा है। लेकिन पिनियन को क्या है, पिनियन को एक अनबैलेंस वेट अटैच किया गया है। तो अभी यहाँ पे पिनियन रोटेट, लेकिन यहाँ पे अगर मैं अनबैलेंस वेट अटैच कर दू यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, अनबैलेंस वेट इसको होल्ड करेगा, इसको घूमने नहीं देगा। तो अगर ये होल्ड हो गया और ये घूमता रहे तो ये सपोज स्लीव घूम रहा है और ये क्यों स्टेशनरी बन गया, ये स्टेशनरी बन गया क्योंकि इसको अनबैलेंस वेट, नीचे की ओर अनबैलेंस वेट, इसलिए वो स्टेशनरी बन गया। तो ये घूमना चाहता ऐसा, तो घूमते घूमते क्या होगा कि पिनियन जो है लेफ्ट की ओर आ गया, पहले यहां पे था तो यहां पे आ गया क्योंकि ये स्टेशनरी बन गया, ये रोटेटिंग है। तो अभी है और कॉलर रोटेट हो रहा है, जब कॉलर कॉलर पिनियन के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, पिनियन को टच कर देगा, तो उसके बाद क्या होगा, पिनियन भी रोटेट होना चालू करेगा। पहले पिनियन नहीं रोटेट होता था, देखिए मैं फिर एक बार दिखाता हूँ। पहले पिनियन इधर था, ये रोटेट हो रहा था, ये रोटेट होते होते क्या हो गया कि यहाँ पे पिनियन कॉलर को टच कर दिया और कॉलर को टच होने के बाद पिनियन रोटेट होना चालू कर दिया, पिनियन ने रोटेट होना चालू कर दिया। अभी यहाँ पे तो फ्लाईव्हील है, यहाँ पे तो ये ऐसा फ्लाईव्हील है और फ्लाईव्हील क्या है, फ्लाईव्हील आ जाएगा पिनियन के कॉन्टेक्ट, फ्लाईव्हील आ जाएगा पिनियन के कॉन्टेक्ट। तो पिनियन तो ऐसा घूम रहा है, पिनियन ऐसा घूम रहा है तो फ्लाईव्हील ऐसा घूमना चालू कर देगा, पिनियन ऐसा घूम रहा है ऐसा तो फ्लाईव्हील ऐसा घूमना चालू कर देगा। अगर जब फ्लाईव्हील रोटेट होना चालू गया, आपको मालूम है कि फ्लाईव्हील कहाँ पे कनेक्टेड है, फ्लाईव्हील इंजन के आउटपुट शाफ्ट पे कनेक्टेड है। तो जब फ्लाईव्हील रोटेट होगा तो आउटपुट शाफ्ट रोटेट होगा और इंजन क्रैंकिंग होगा और इंजन स्टार्ट होगा, इंजन स्टार्ट होगा तो फ्लाईव्हील कंटिन्यूअसली ऐसे रोटेट कर देगा। जब इंजन स्टार्ट होगा तो मैं क्या करता हूँ, जनरली इस मोटर को जो स्टार्टिंग मोटर को इलेक्ट्रिसिटी दी थी वो कट कर देता हूँ। जब ये कट कर देगा तो अभी कॉलर रोटेट नहीं होगा और स्लीव नहीं रोटेट होगा, लेकिन यह जो फ्लाईव्हील है वो फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है कंटिन्यूअसली। क्यों फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि इंजन स्टार्ट हो गया और अभी समझिए कि स्लीव स्टेशनरी है, स्लीव स्टेशनरी है, फ्लाईव्हील रोटेट है। जब फ्लाईव्हील रोटेट है, ऐसा रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, ये पिनियन भी रोटेट होना चालू कर देगा अपोजिट डायरेक्शन टू फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील ऐसा रोटेट हो रहा है, फ्लाईव्हील ऐसा रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन पे ऐसे, तो पिनियन कैसे रोटेट होगा, पिनियन रोटेट होगा ऐसे ऐसे। अब पिनियन जब ऐसे रोटेट होगा तो बैक साइड आ जाएगा। ओके, तो पहले पिनियन राइट टू लेफ्ट गया, इंजन स्टार्ट होने के बाद लेफ्ट राइट आ गया। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको एनालॉजी करके दिखाई है, यह जो कॉलर है पिनियन है और ये लेफ्ट को कैसे जाता है और राइट को कैसे आता है यह हमने देखा है। तो यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था कि अगर मैं मोटर चालू कर दूं, अगर ये मोटर ऑफ है, अभी मोटर चालू कर दिया, चालू करने के बाद ये रोटेट होगा लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस वेट है और ये अगर स्टेशनरी है और ये रोड घूम रहा है तो क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड को आ जाएगा। लेफ्ट साइड को आने के बाद जब ये कॉलर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, कॉलर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये भी घूमना चालू कर देगा, ये भी रोटेट होना चालू कर देगा, तो ये रोटेट होगा। अभी यह क्या है, यह फ्लाईव्हील के कॉन्टेक्ट में आ गया तो फ्लाईव्हील भी रोटेट होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए फ्लाईव्हील भी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो ऐसा घूम रहा है और ये ऐसा घूम रहा है। जब ये घूमेगा तो मैंने जैसे बताया कि ये इंजन को कनेक्टेड है, इंजन रोटेट होगा और इंजन स्टार्ट होगा। जब इंजन स्टार्ट होगा, जब इंजन स्टार्ट होगा तो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं ये ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इंजन चालू होने के बाद आपको मालूम रहेगा कि हम की रिलीज करते हैं, नहीं तो बटन रिलीज करते हैं। तो बटन रिलीज करने के बाद अगर मैं ऑफ कर दूं, अभी ये ऑफ कर दिया, ऑफ होने के बाद पहले तो क्या होगा, स्लीव रोटेट होना स्टॉप हो जाएगा। स्लीव रोटेट होना स्टॉप होने के बाद, स्लीव रोटेट होना स्टॉप होने के बाद क्या होगा, ये पिनियन जो है फिर भी घूमेगा, क्योंकि पिनियन किसके कांटेक्ट में है, पिनियन फ्लाईव्हील के कांटेक्ट में है। तो फ्लाईव्हील तो कंटिन्यूअसली रोटेट है क्योंकि इंजन कंटिन्यूअसली रोटेटिंग है, इंजन चालू हो गया, इंजन चालू होने के बाद यह जो है यह फ्लाईव्हील कंटिन्यूअसली रोटेट होगा, फ्लाईव्हील के कॉन्टेक्ट में पिनियन है तो पिनियन भी रोटेट होगा। और अब करंट सिचुएशन में कॉलर स्टेशनरी है या दिस स्लीव स्टेशनरी है, तो यह घूमेगा, घूमने के कारण यह क्या होगा, ये राइट को जाएगा। ये देखिए
ये क्या होगा, राइट को जाएगा इस राइट। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि पहले, फिर एक बार दिखाता हूं आपको, पहले ये ऑफ था, मुझे इंजन चालू करने का है, इंजन चालू करने के लिए मैंने ये चालू कर दिया, कॉलर रोटेट हो गया, कॉलर रोटेट हो गया, फिर भी ये नहीं रोटेट हो रहा है क्योंकि अनबैलेंस वेट है, और अनबैलेंस वेट के कारण ये रोटेट नहीं हो रहा है, और अगर ये रोटरी नहीं है और स्लीव रोटेट हो रहा है तो ये क्या होगा, लेफ्ट को जाएगा, लेफ्ट को जाने के बाद कॉलर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, कॉलर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये भी रोटेट होना चालू होगा, ये अगर रोटेट हो रहा है तो फ्लाईव्हील भी रोटेट होगा, फ्लाईव्हील रोटेट होने के बाद इंजिन स्टार्ट हो जाएगा। इंजिन स्टार्ट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यह बटन ऑफ करता हूँ, बटन ऑफ होने के कारण यह आउटपुट शाफ्ट जो है, जो भी रोटेट हो रहा था वो स्टेशनरी हो गया, ये स्टेशनरी होने के बाद भी पिनियन रोटेट होगा क्योंकि फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है, फ्लाईव्हील पिनियन के साथ मेश है तो ये रोटेट होगा, रोटेट होने के कारण क्या होता है वो राइट साइड को आता है, और जब ये राइट साइड को आता है तो ये स्ट्रक करेगा स्लाइडिंग डॉक, स्ट्रक करेगा स्लाइडिंग डॉक को, तो यहां पे शॉक्स आ सकते हैं, तो ये शॉक्स रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया है, हमने ये स्प्रिंग यूज किया है, तो स्प्रिंग शॉक्स एब्सॉर्ब करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।